ज्यादा मेकअप तो नहीं जानते, जितना जानते हैं। सर्दी खांसी आता तो ऐसा दिक्कत नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा आवाज ना आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा सर्दी है और गला में थोड़ा सा खराश है, जिसकी वजह से आवाज एकदम अलग सा हो गया है। और आज सुबह सुबह हम क्या करते हैं ना, नहा धो कर देखिए, नेल पेंट खत्म हो गया हमारा और इधर हम कांच कांच के लगा रहे हैं। स्थिति इतना बुरा हो गया है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सब चीज ले लेंगे। तो सोच रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये तो चल गया, मेरे पति देव जी देखिए देख रहे हैं कि अब तो पूरा खर्चा करवाएगी। हेलो दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, इनका माइंड का जो भ्रम है ना अलग है, और खरीदने के लिए थोड़ी कोई माना किया हुआ है। बोली लो सुन, बाबू कहा है। और एक चीज और आपको दिखाएंगे ना, हम लोग कुछ मंगाए थे ऑनलाइन जो कि आ गया है, और प्रोडक्ट है वो। लोग कह रहे हैं कि शायद आपके चेहरा पे वो चीज सूट करे, तो जिसके लिए हम स्पेशली मंगा लिए हैं और देखते हैं सच में सूट करता है कि नहीं, कैसे लगाना है वो। कोई लोग अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग तरीके से लगाते हैं, तो हम गुलाब जल मिक्स करके लगाते हैं ताकि थोड़ा सा, वैसे भी तो है काले, तो कितना भी पोत लो काला ही लगेंगे, पर फिर भी मन का जो बहम होता है ना, बहम वो कभी हटता नहीं है। तो सोच रहे हैं चलिए, अभी तक तो उसका अनबॉक्सिंग भी नहीं किए हम। आज एकदम मस्त सा धूप निकला हुआ है और ऐसे में इनको और बाहर धूप में रखे काला किए जा रहे हैं। नहीं जी, काला नहीं, छाया ना किए थे, सुबह से दो बार कपड़ा चेंज कर दिए बाहर में। क्या है ना, थोड़ा देर छोड़ला बाद सब गुदू करके पूरा गीला कर देते हैं, तब तक फिर को शाम होगा तो फिर जाके डाइवर पहनाए तेल लगा के, और धूप में क्या है कि सूख जाता है। चलो कोई बात नहीं है, अभी लोग का आदत है तही तनी, थोड़ा देर में करे तो बात है तब ना। दोस्तों, आज हमारे घर एकदम सिंपल वाला खाना बन रहा है। सिंपल नहीं, बना रहे हैं जीरा फ्राई और साथ में तड़का चना दाल का। उधर रोने लगे, थोड़ा भी अकेले रहना ही नहीं है, थोड़ा सा देख दीजिए, 10-15 मिनट टाइम लगेगा बनने में। इनको आदत सी हो गई है, कोई अगर पास में है तो सही है, जबकि इनका थोड़ा सा टीवी चला दिए हम, कार्टून चल रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी रोना है। थोड़ा भी सोया है बर्दाश्त नहीं हुआ, और गोदी में तो एकदम शांत है, और बेड पर थे तो टे किए जा रहे थे, और इनका शॉपिंग हम नहीं करा रहे ना तो रोना आ रहा है। हम रो थोड़ी रहे हैं, नहीं तो इनका आदत है ना। दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, चेहरा से पता चल रहा है कि ये प्याज वाला आंसू नहीं है, प्याज वाला आंसू है ना राजा। नरम जाइए, लग जाएगा, पड़ेगा बेटा, आपको जो सोचना है सोचिए, ऐसा कुछ नहीं, नहीं हम जान रहे, वही बात है, उनको चाहिए शॉपिंग के लिए जाना था ना। क्या लेंगे, कुछ नहीं, इसमें नमक वमक सब डाल रहे थे। हाँ, तो हम तड़का बना रहे हैं, क्या तड़का बना रहे हैं, लास्ट में जीरा फ्राई करेंगे। तो मेरा कहना है कि दाल तो आप अथी नहीं की सिझाए दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कभी कभी थोड़ा अलग ही खाना चाहिए बाबा, थोड़ा मेरा गला में बैठ गया सर्दी से, क्या करें। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत जल्द इनको शॉपिंग करा देंगे, नहीं तो नहीं, रीजन है ना, ठंड बहुत ज्यादा, बाबू को लेके बाहर नहीं जा नहीं सकते, इतना हवा चल रहा है इसलिए नहीं जा पा रहे, और खुद का मेरा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम क्या जाएंगे, खुद चिल्ला के बोल तब वो आपको समझ आवाज अच्छा नहीं जा रहा है। जियो मार्ट से मंगाए पहली बार, इसमें बहुत सस्ता मिल गया, बहुत सस्ता मिला है। हाँ तो हम लोग यही कहा, जहाँ सस्ता मिल रहा है हम लोग वही सर्च करते रहते हैं कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, इसमें दुकान में जाइए देता ही है। प्राइस देता है ना, हाँ। इसमें 30% डिस्काउंट मिला है। तो पहली बार हमने जियो मार्ट से कुछ मंगाया है ना, जी पहली बार मंगाया जियो मार्ट पहली से ना? बार तो सुनिए, ऐसे तो हम इसको यूज किए हैं, बट आप सब मुझे सलाह दीजिएगा ये अच्छा है कि नहीं। ये रहा पॉन्स ब्राइटी, अरे पॉन्स ब्राइट ब्यूटी टीएम सीरम क्रीम SPF 15, ये वाला ना हम हमेशा यूज करते हैं, नहीं बहुत दिन से यूज नहीं कर पा रहे थे, डिलीवरी से पहले यूज करते थे, डिलीवरी के बाद नहीं यूज कर रहे थे, तो चलिए मंगा लेते हैं, बहुत दिन से था। हमारे छोटे वाले ना अभी टीवी देख कर हंस रहे हैं कि दांत निकल रहा बाहर,
और यहाँ पर चल रहा है गाय। हाँ हसा हसा, इनका मन अगर ठीक है तो सब सही है, मन जहाँ खराब रहा तो कहते हम कुछ कर दीजिए, कोई सुनवाई नहीं। हाँ हो गया बिहान। अब कवर करना भी दिया हुआ है, अभी हम ट्राई करते हैं इसको। इसका फेस वॉश यूज किए थे? हाँ हम यूज करते हैं, गुलाब जल यूज करते हैं। एक चीज तो है, जब भी कोई क्रीम ट्राई कीजिए ना, पहले हाथ पे ट्राई करना चाहिए। अरे बिटू तो ऐसे क्या होगा, देखिए है ना, यहाँ यहाँ अंतर देखिए, कुछ फर्क पड़ा इधर इधर में? कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हल्का सा खाली चमक आ रहा है। ले तभी तो फर्स्ट में ही हल्का सा चमक तो होगा ही ना, अब ऐसा मत बोल दीजिए आप। अभी देखिए हम लगाते हैं, ज्यादा मेकअप तो नहीं जानते, जितना जानते हैं शेयर करते हैं। देखिए थोड़ा सा क्रीम लगाए और इनका जो कलर स्वेटर का है वार्म कलर आ गया चेहरा पर भी। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है, लेकिन कब तक आदमी क्रीम लगा के गोरा रह सकता है यार? दुनिया में ऐसा बहुत सारा क्रीम जो लोग यूज करते हैं, मैं तो सिंपल सा क्रीम यूज कर रही हूँ तो भी आप ऊपर से बयान कर रहे हैं, बट मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि जल्दी में कहीं जाती तो हूँ नहीं, बस घर पे ही रहना है। फिलहाल तो घर पे हैं, बट बहुत जल्द आप सबको टूर ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेरा ब्यूटी को देख के बताइएगा, पहले से मैं कैसी लग रही हूँ। जब बेबी था ना उस टाइम ना, तो मेरा चेहरे पे ग्लो हो गया था, आप सब देखे भी थे, और बेबी के आने एक बार सही में पानी होता है वो सूखतेगा दिन ब दिन, तो मेरा और ज्यादा काली होती गई। खास करके मायका मतलब मैं बहुत ज्यादा गोरी हो गई थी, क्योंकि वहां बाहर निकलना नहीं है, घर में रहना है, और यहाँ पे क्या है ना कि बस घर से बाहर, बाहर से घर, दिन भर धूप में रहना है, जिसकी वजह से यही तो रहा मेरा छोटा सा मेकअप। ऐसे बहुत सारे मेकअप हम बहुत सारा ब्यूटी टिप्स वगैरह इसमें ब्लॉग पे है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और छोटा सा बस आज मैं से टेस्ट किए थे, बहुत दिन से आप सबके साथ ना कुछ ब्यूटी टिप्स शेयर नहीं कर रहे थे, बट मुझे अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भी सोच रहे हैं ना कि धूप में, लेकिन हाँ लगाने के बाद ज़्यादा धूप में निकलना नहीं है, पर कोई बात नहीं, निकल ही जाते हैं। तो चलिए हमारा तड़का हो चुका है बनकर तैयार, अभी जा रहे हैं हम जीरा फ्राई करने, क्योंकि बाबू को लाने का भी टाइम हो गया है। और आपको एक चीज बता दो, यहाँ पे ना इतना आवाज में मतलब गाना सब बजा के रखे ना, जिसकी वजह से ना मुझे ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं कर पा रहे, रीजन है कि बहुत साउंड में बज रहा है। तो बस इधर मेरा निकल गया है और इधर सब कोई खाने के लिए आ चुके हैं, भूख लगी है। हाँ सही बात है, सुबह चाय रोटी खाए फिर भूख लग गया इनको, तो टाइम देखिए इधर ज्यादा हो गया है। पूरी भर रोटी है सबका। हाँ मेरा रोटी बनाया हुआ तो सही रहता भाई, जैसा हमको आता बनाने हम वैसा ही बनाते, अब बड़ा बड़ा बनाने के तब कही बड़ा बड़ा बना दिए मेरे जैसा। नहीं नहीं हमको ऐसा खाना नहीं खाना, हमको पतला पतला रोटी बहुत पसंद है, पतला पतला रोटी ही बनाते हैं। तो थोड़ा सा आलू का भुजिया है चलिए गाड़ी पे चलिए। हाँ बैग खुला दोस्तों, आज आते आते ही रोने लगे और इनको चाहिए कलर, क्लास में किसी को देखे होंगे और राती कलर खो जाते दिए नहीं, तो जबरदस्ती धक्का दे रहे हमको भी। और स्कूल से जस्ट आए हैं, कुछ नहीं खाए हैं, अभी पहले कलर चाहिए तभी कुछ खाना पीना, खाएंगे तो कुछ नहीं खाएंगे, बहुत जिद्दी हो गए हैं ये। चलिए गाड़ी पर, गाड़ी पर हाँ आ रहे आ रहे, चलिए। हाँ देखो ना सिर्फ बोल रहे सीधे गाड़ी पर, पैदल भी नहीं जाएंगे ना दुकान में, गाड़ी से ही जाएंगे, तो शादी भी नहीं खाए और जबरदस्ती आ गए दुकान में कलर लेने के लिए। हाँ मोम कलर, पेंसिल कलर भी आते हो भी रखते हैं क्या? देखिए वो देखे ले लीजिए। हाँ कलर के लिए एकदम आप हम ढूंढ ले आइए, पेंसिल कलर है। कौन सा चाहिए बेटा आपको, कौन सा चाहिए? वो नहीं चाहिए नहीं। अब हम लोग आ गए मंदिर, जब तक इनको कलर नहीं गया, नहीं रहे थे, अरे जय करते हैं। गोल लगिए, गोल लगिए, बोली जय, गोल लगिए, देखिए कहाँ गोल लगते हैं अभी, ये देखिए इनको पता है यहाँ गोल लगना है, तो हम भी थोड़ा सा जय कर लेते हैं। माथा टेक गोल लगता, माथा टेकिए, नीचे से माथा टेकना है। तो भी लिया है प्रसादी और इनको खिला रहे हैं बैठा के यहाँ पे। सीता लग रहा है क्या इनको, जो प्रसादी है ना तो तीता वैसे कम खाते हैं।
देखो थोड़ा दे, पेंसिल कलर लाए हैं और यहाँ पर भी इनका पढ़ाई चल रहा है। आज कलर के बिना इनका दिन नहीं गया। क्या चाहिए? मम्मा को दवा ला दी है, ये पकड़ी रही। पिछला वाला दवा इनको काम नहीं किया, सर्दी ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आज दूसरा दवा लेके आए। बहुत महंगा दवा दिया अभी में छोटे वालों को, नींद आ गया, अभी यहाँ सो गए। पॉकेट चेक हो रहा है कि पापा कलर कहाँ रखे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा पॉकेट बाहर चल जाता है। क्या अभी क्या चेक हो रहा है? क्या दे? हम लोग पढ़ा दिखा के आएगा। कलर मांग रहे हैं वो कलर। कलर नहीं मेरे पास, नहीं बेटा कलर मेरे पास है, मेरे पास कलर है। अजी 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 दोस्तों हो गई शाम। रूमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया और बे को पड़ गए, उनको थोड़ा भी ठीक लग ही नहीं रहा है। शाम को दवा भी लाए, खाए भी, लेकिन उसके बाद और ज्यादा उनको तबीयत खराब हो गई है। ये बोल मारो। और ये है डुगू साहब, इनको हर समय लाइन कम बेसी करते रहना है, चला देना चला देना। इनको चाहिए अभी टीवी। कहाँ देखा देखा, कुछ मांग रहे हैं। दोनों बेबी को ना भी हमें संभालना पड़ रहा है, ये तो और बिगड़ गए हैं, और छोटे वाले गोदी में भी लिए हुए हैं, तेल पानी भी इनका नहीं हुआ है। हाँ बेटा, और हम लोग को दिन ब दिन पता नहीं क्या हो गया है, सर्दी खांसी इतना परेशान हो गए हम लोग जो कहिए ही मत। थोड़ा भी अच्छा से दे सकते हैं। आज इनका जो है नाक एकदम छिल गया था डुगू का, फिर से जाकर दवा लाए। इनका सर्दी खांसी इतना बढ़ गया है कि ठंडा से परेशान है, हमको लग रहा है कि ठंडा लग गया है। सर्दी खांसी आता तो ऐसा दिक्कत नहीं होता, इनको नींद आता नहीं जल्दी। क्या करें, सब कुछ अभी को अभी देखना पड़ जा रहा है। ऐसे में अभी खाना भी नहीं बना पाएंगे, सुबह खाना बच ले खाई भी नहीं किया, अच्छा नहीं लगा तो ही खाना फिर गर्मा के खाया जाएगा। खिड़खिड़ा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हमको खुद अभी ठीक नहीं लग रहा है सर्दी से। रात को एकदम बुखार लग गया था, ऐसे हालत हो गया था, लेकिन चलिए फिर करना तो है ना काम। बाय दियो, बाय करने के लिए बोलते हैं बाय दियो। बस दोस्तों आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।